देश में धर्म के नाम पर ही राजनीति की जाती है और धर्म के नाम पर ही लोगों को बरगलाने का काम भी किया जाता है। लोगों की धार्मिक भावनाओं को उकसाकर लोगों का फायदा उठाना बेहद आसान काम है। ये इस देश की एक ऐसी हकीकत है जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसी संजीदा विषय पर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक संजय पूरण सिंह चौहान ने 72 हुर्रे फिल्म बनाई है। फिल्म में कट्टरता और आतंकवाद को दिखाया गया है और लोगों को आतंकवादी कैसे बनाया जाता है और कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, कैसे धर्म के नाम पर युवाओं को बरगलाकर उन्हें खून खराबा करने के लिए उकसाया जाता है। इस सब को बखूबी से फिल्म में दर्शाया गया है। फिल्म में धार्मिक कट्टरता को जिस सशक्त अंदाज में पेश किया गया वो आपके होश उड़ा देगा। फिल्म में दिखाए गए आतंक से जुड़े वाक्य आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर धार्मिक कट्टरता किस तरह इंसान को जानवर में तब्दील कर देती है कि वो मानव बम बनने से भी गुरेज नहीं करता। वहीं फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में पवन मल्होत्रा और आमिर बशीर ने उम्दा काम किया है। पूरी फिल्म दोनों कलाकारों के इर्द गिर्द घूमती ही आपको नजर आएगी और दोनों ही कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय से फिल्म के स्तर को और भी ऊंचा उठा दिया। निर्देशक की बात करें तो इस फिल्म के निर्देशक संजय पूरण सिंह हैं। वहीं रिलीज से पहले ये फिल्म विवादों में घिर गई थी। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए द ग्राउंड न्यूज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ब्यूरो रिपोर्ट द ग्राउंड न्यूज़।